आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ माह की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से पाप ताप का नाश होता है, सर्व सुखों की प्राप्ति होती है, वह मनुष्य कष्टों से मुक्ति पाता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। ज्येष्ठ मास का महत्तम सुनाते हुए महर्षि स्कंद जी अपने शिष्यों को कहने लगे कि इस मास में जल दान देने का विशेष महत्व होता है। इस मास में किया गया थोड़ा सा दान अधिक पुण्य प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में भगवान का सच्चे हृदय से ध्यान करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास के देवता श्री हरि विष्णु जी हैं। इस माह में अन्न दान, जल दान, व्यंजन दान, चंदन दान, हल दान और जूतों का दान करने से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। चंदन का दान करने से देवता, ऋषि व पितृ प्रसन्न होते हैं। निर्जन क्षेत्र में प्राणी मात्र की रक्षा के लिए जल का दान करना चाहिए। छायादार वृक्ष लगाने चाहिए, प्याऊ लगाने चाहिए। ऋषि कहने लगे, जो मनुष्य सक्षम होते हुए भी ज्येष्ठ मास में जल जैसा सुलभ दान नहीं करता, वह मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगकर पपीहे की योनि में पड़ता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। त्रेता युग के अंत में महिष्मतीपुरी में वेद वेदांतों को जानने वाला सुमंत नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती तथा पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन वह ज्येष्ठ मास में समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय भगवान का ध्यान कर वह ब्राह्मण वहां स्थित सुंदर सरोवर का जल पीकर वृक्ष की छाया में सो गया, जो कि सरोवर के बिल्कुल नजदीक था। अब जो भी जीव जानवर सरोवर पर जल पीने आता तो उस ब्राह्मण को देखकर डर कर भाग जाता और जल पीने से वंचित रह जाता। कुछ नन्हे जीव तो प्यास के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्य देव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर लौटाया, लेकिन अनजाने में हुआ पाप भी उसके साथ आ गया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मण अस्वस्थ हुआ और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी पतिव्रता स्त्री भी अपने पुत्र और घर का त्याग कर उसके साथ सती हो गई। ज्येष्ठ माह में हुए अज्ञात पाप के दोष से वह ब्राह्मण मृत्यु के पश्चात कई दिनों तक नरक की यातना भोगकर चातक की योनि में पड़ा और उसकी पत्नी चातकी की योनि में। चातक और चातकी की योनि में आकर वह दोनों अपने पुत्र के घर के समीप स्थित एक वृक्ष पर रहने लगे, जहाँ पर रहते हुए चातक अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोता। उसके पुत्र ने रुदन की आवाज़ सुनकर उन दोनों को वहाँ से भगाने और ना रोने को कहा, परंतु चातक का रुदन बंद नहीं हुआ। थक हार कर उसके पुत्र ने वृक्ष को आग लगा दी, जिससे चातक और चातकी के पंख जल गए और वे घायल अवस्था में नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े
और आपस में अपने कष्टों की बात करने लगे। उनकी बातों को सुनकर उनके पुत्र को बड़ी हैरानी हुई और वह सोचने लगा कि ये तो मेरे ही माता पिता हैं। तब वह ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषियों के आश्रम पर पहुंचा और अपने माता पिता का सारा वृतांत सुना, उनसे उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया, तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है, उससे मुक्ति के लिए तुम जल दान की व्यवस्था करो। तब ब्राह्मण पुत्र ने उनके कहे अनुसार अपने माता पिता के निमित्त निर्जन वन में प्याऊ लगवा दी, जहाँ पर सब मनुष्य, पक्षी और जीव जंतु आकर जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता चातक चातकी की योनि से छूटकर अपने पुत्र को सुख समृद्धि व ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। ऋषि कहने लगे, इस प्रकार ज्येष्ठ मास में जल दान का अति महत्व है। जो भी मनुष्य, प्राणियों और जीव जंतु व पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है, वह इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।